लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बनता है ब्रेन हेमरेज का कारण। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिमाग को हमारे आंख, कान, नाक और अन्य इंद्रियों से जानकारी मिलती है, जिससे ये हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकता है, जो बॉडी के बेहतर ढंग से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग से जुड़ी बीमारियां जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर या स्ट्रोक का जोखिम भी बढ़ने लगता है। लेकिन आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और तनाव के कारण हम उम्र में ही कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ने लगती है, जो सीधे आपके दिमाग पर असर डालती है। हाई ब्लड प्रेशर कई बार ब्रेन हेमरेज का कारण भी बन सकता है, जिससे व्यक्ति की जान जाने की खतरा भी बढ़ जाता है। ब्रेन हेमरेज ब्रेन स्ट्रोक का ही एक रूप है, जिसके कारण आपके दिमाग में ब्लीडिंग होने लगती है। क्या हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज हो सकता है? हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, समय के साथ ब्लड वेसल्स की परत को कमजोर कर सकता है। ऐसे में अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो वह आपके ब्लड वेसल्स की परतों पर ज़्यादा दबाव का कारण बन सकता है, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में दिमाग में बढ़ा हुआ दबाव छोटे ब्लड वेसल्स के फटने का कारण बन सकता है, जिससे दिमाग में ब्लीडिंग या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जिससे व्यक्ति की जान जाने की जोखिम बढ़ जाती है। 95% ब्रेन हेमरेज के मामले हाई ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर बिना किसी संकेत के आता है, इसलिए समय समय पर इसे मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। खासकर 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को अपने ब्लड प्रेशर पर निगरानी बनाए रखने की ज़रूरत होती है। इतना ही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल की भी समय समय पर जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ने का कारण बन सकते हैं, जिससे ब्रेन हेमरेज का जोखिम बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के टिप्स। कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करें, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकें, नमक का सेवन सीमित मात्रा में करें, शराब और धूम्रपान से परहेज करें, तनाव लेने से बचें, नियमित रूप से एक्सरसाइज और योगा जैसी फिजिकल एक्टिविटी करें, वजन कंट्रोल करें, रोजाना कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। डाइट में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।